हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ गोल एजुकेशन। देखिए 28 जुलाई 2019 को टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर रैंक के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया। इसमें 50 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज से पूछे गए थे, जिन्हें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो विलंब ना करते हुए देखते हैं लेक्चर का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि क्रिप्टो करेंसी जो कि अभी फेसबुक ने अनाउंस की है, उसका नाम क्या है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर जिस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने वाला है, उसका नाम है लिब्रा। इससे पहले आपने डिजिटल करेंसी होती है क्रिप्टो करेंसी, और आपने फेमस बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का नाम जरूर सुना होगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, 17 छक्के एक ही मैच में लगा के क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसने रिकॉर्ड बनाया। ये बनाया योन मॉर्गन ने, ये इंग्लैंड के कैप्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में। तो अभी 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ग्लोबल पीस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक। देखिए, इसको आप लोग ऐसे याद रखिए, फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की। आइसलैंड में आइस आ रहा है, आइस बहुत ठंडा है, तो आप लोग ऐसे याद रख लीजिए कि आइसलैंड में बहुत ठंड है, तो यहाँ के लोग शांति से रहते हैं। अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो 2018 में इंडिया की रैंक थी 136, और अब 5 रैंक हम डाउन आ चुके हैं, यानी कि अब रैंक हो चुकी है हमारी 141। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन पूछा गया कि प्रेसिडेंट कितने ईयर के बाद कंस्टिट्यूट करते हैं। तो ये 5 साल के बाद बनाया जाता है। अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके चेयरमैन हैं एनके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन किसके लिए इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शन, इन तीनों के लिए करवाता है। लोकल बॉडीज के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, एग्जीक्यूटिव पावर कनकरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड किसके पास होता है। देखिए, स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पावर होगा वो स्टेट्स के पास होगा, सेंटर वाला पावर सेंटर के पास होगा। कनकरेंट पावर में स्टेट और सेंटर दोनों आते हैं, इसलिए इसके पावर का जो यूज है वो करता है सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन गवर्नर पूछी गई, ये किस स्टेट की थी। सबसे पहली बात, ये थी उत्तर प्रदेश की, इनका नाम है सरोजनी नायडू। जब भारत आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर रहीं, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर थी। अच्छा, अगर इसमें पूछा जाता पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ये भी 1963 से लेकर के 1967 तक रहीं उत्तर प्रदेश की, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। 9th क्वेश्चन में पूछा गया, फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू, एक्चुअली इट रिफर्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में पूछा गया, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है स्टेट का, तो ये होता है गवर्नर। देखिए, 11th क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल इंटरप्रेट करने वाली अथॉरिटी कौन सी होती है, ये होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़पेपर कौन सा था भारत का पहला, वीकली न्यूज़पेपर बंगाल गजेट, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ये इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर है। सक्सेसर ऑफ गुरु नानक जी पूछा गया, ये थे गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रेडिकल्स और मॉडरेट्स जो थे ये कब डिवाइड हुए। देखिए, सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट यानी कि रेडिकल्स और मॉडरेट्स दोनों डिवाइड हो गई थी। ऋग्वेद में किस गॉड का सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है, ये इंद्र देवता का मिलता है। पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, पतंजलि का नाम आते ही आपके दिमाग में योगा सूत्र आ जाना चाहिए, इन्होंने योगा सूत्र का कंपाइलेशन किया था। हुमायूं को चौसा की जो लड़ाई 1547 में हुई थी, उस लड़ाई में किसने हराया था, इसमें बुरी तरह से पराजित हुआ था हुमायूं शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने खारिज किया। देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन कराया बंगाल का, दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया धर्म के नाम पे। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने रीयूनाइट कर दिया, यानी कि पार्टीशन को खारिज कर दिया। हीलियम गैस पूछी गई, ये बैलून्स में क्यों भरी जाती है, क्या ये हाइड्रोजन से लाइटर होती है, नहीं। मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन, ये भी नहीं। क्या ये मोर स्टेबल है, देखिए स्टेबिलिटी ऑब्वियसली हीलियम है, इनर्ट गैस है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, पर इसको बैलून्स में भरने के पीछे जो कारण है वो ये है कि नॉन कम्बस्टिबल होती है, यानी कि ज्वलनशील नहीं होती।
क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया ऑप्टिक फाइबर किस चीज में यूज होते हैं। ऑप्टिक फाइबर को यूज किया जाता है एंडोस्कोपी में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22 क्वेश्चन में है, पोलियो वैक्सीन को किसने इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किया था जॉन साक ने। आप मुझे ईयर कमेंट करके बताइए पोलियो वैक्सीन किस ईयर में इन्वेंट हुई। वेयर इज इंडियाज सुपर कंप्यूटर परम? देखिए एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये पुणे में है, वहीं पर परम सुपर कंप्यूटर को भी बनाया गया। नाइट्रोजन इकोसिस्टम में सर्कुलेट कैसे होती है? नाइट्रोजन साइकिल जो होती है उसमें बैक्टीरियाज का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे पूरे इकोसिस्टम में नाइट्रोजन सर्कुलेट होती रहती है। 25th क्वेश्चन में पूछा गया यूरेनियम का वो आइसोटॉप जो एटॉमिक रिएक्शंस में यूज होता है, तो ये है यूरेनियम 235, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ग्रेफाइट किस लिए यूज किया जाता है? देखिए ग्रेफाइट यूज होता है एज अ मॉडरेटर। आप यूरेनियम या प्लूटोनियम को एज अ फ्यूल ले सकते हो, और कैडमियम अगर पूछा जाता है तो वो यूज किया जाता है एज अ एब्जॉर्बर, और उसको हम कह सकते हैं कंट्रोलर। वो गैस कौन सी है जिससे हम आर्टिफिशियली फलों को पका सकते हैं? ये एस्टेलिन गैस होती है। क्यूरी पूछी गई किसकी यूनिट है? देखिए मैडम क्यूरी और प्यूरो क्यूरी, इन दोनों ने मिलकर रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की, इसलिए इनके नाम पर रेडियो एक्टिविटी की यूनिट रखी गई क्यूरी। मैराथन रेस की डिस्टेंस कितनी होती है? ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किया, लोगों ने इसका आंसर दिया है 42 किलोमीटर। एक्चुअली ये 42.195 होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 42.2 किलोमीटर लिख सकते हैं, पर वैसे एग्जैक्ट डिस्टेंस जो यहाँ पर दी है 26 मील 385 यार्ड्स, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोर्स ऑफ रिवर नाइल पूछा गया, तो ये लेक विक्टोरिया है। रिवर नाइल इजिप्ट से फ्लो होती है, ये किस सी में जाके गिर जाती है? आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका कैरेक्टर बताना है। देखिए इसका मेन कैरेक्टर जो है कि इसमें बायोडाइवर्सिटी जो है वो मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन वूमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की? देखिए ये थी बछेंद्री पाल, इन्होंने 23 मई 1984 को ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। 24 मई को इनका जन्मदिन होता है, और अपने बर्थडे से एक दिन पहले इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, ये चार लाइंस दी हैं, इनमें से कौन सी लाइन नहीं है जो दो कंट्री के बीच में डिमार्केशन लाइन हो? देखिए मैकमोहन लाइन जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में, डोरेंड लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में, जबकि इंटरनेशनल डेट लाइन किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया, मोस्ट पॉपुलस ऑयल रिच कंट्री अफ्रीका की कौन सी है? ये नाइजीरिया है। एल निनो क्या होता है? एल निनो होता है एक वार्म ओशन करंट, यानी कि गर्म महासागरीय धारा। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गेटवे टू द पैसिफिक? पैसिफिक का गेटवे कहा जाता है पनामा कैनाल को। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप 40+ क्वेश्चन जरूर करके आए होंगे। डिक्लेरेशन डेमोक्रेसी के बारे में दिया गया था, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ये किसने दिया? ये दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अब्राहम लिंकन जो थे ये अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, और डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग फॉल कहाँ पर है? जोग वाटरफॉल है कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज नो बाउंड्री? देखिए इंडिया के बाउंड्री पाकिस्तान के साथ, इसके बाद इंडिया का पीओ के जो पार्ट है उसकी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ, चाइना बांग्लादेश नेपाल भूटान म्यांमार इन सब के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, पर मंगोलिया के साथ शेयर नहीं करता। एक्चुअली मंगोलिया जो है वो चाइना के बॉर्डर पे है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि भारत की जो क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र में दो वोल्केनिक आइलैंड्स यानी कि ज्वालामुखी द्वीप के नाम बताने हैं। ये है नारकोंडम एंड बैरन, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड हैं। 2018 की यूपीएससी एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, बैरन आइलैंड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया साइक्लोन बायू, इसके बारे में तीन स्टेटमेंट दिए हैं, चेक करते हैं कौन से स्टेटमेंट सही है।
इट ऑर्गेनाइज इन अरेबियन सी। देखिए साइक्लोन वायु जो है वो गुजरात के कोस्ट पर आया था और गुजरात के कोस्ट पर जो सी है वो अरेबियन सी है, यानी कि स्टेटमेंट वन सही है। इट वॉज नेम्ड बाई इंडिया, ये भी सही है, इसका नाम इंडिया ने ही दिया था। द साइक्लोन ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल, अगर ये अरेबियन सी में ओरिजिनेट हो गया तो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होने का सवाल ही नहीं उठता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 आर करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगा खां कब पूछा गया, ये किस गेम से एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है हॉकी से। आप लोग ऐसे याद रखिए कि हॉकी के जादूगर कहा जाता था मेजर ध्यानचंद जी को, तो जब ये हॉकी खेलते थे तो आग लगा के रख देते थे, तो आपको आग से याद रखना है आगा खां कब। नेक्स्ट, किसी कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि टोटल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस नहीं है उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44th क्वेश्चन में पूछा गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम। देखिए RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक, ये तीनों के तीनों बैंक हैं, पर LIC एक NBFC है, ये इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन में पूछा गया इशूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मनी मार्केट में क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व रेशियो, यानी कि न्यूनतम आरक्षित अनुपात। 46th क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए यूनाइटेड नेशंस जो होती है इसके पास अपनी कोई फोर्स नहीं होती, तो UN के कंट्रीज के सोल्जर्स डिफरेंट मिशंस के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, सर्व करते हैं, तो UN का पीस कीपिंग मिशन भेजा गया साउथ सूडान में, उसके कमांडर पूछे गए कौन थे, ये थे लेफ्टिनेंट जनरल सेलेस तिनायकार। क्वेश्चन नंबर 47, इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज पूछा गया, ये है बोगीबील ब्रिज आसाम में। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए पाकिस्तान को थोड़ी सी अकल आई, इन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए प्रस्ताव रखा भारत के सामने, ये कॉरिडोर करतारपुर गुरुद्वारा जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है वहाँ से डेरा बाबा नानक श्राइन तक जो कि इंडिया के पंजाब में है बनाया गया, तो डेरा नानक श्राइन ये कहाँ पर है, ये है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। पाकिस्तान के पास भी पंजाब है, भारत के पंजाब के दो टुकड़े कर दिए थे, एक पंजाब पाकिस्तान को दे दिया, एक पंजाब इंडिया के पास है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया कि WHO ने किसे मेंटल डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है, क्या ये ओवर स्लीपिंग है या फिर ओवर ईटिंग है या फिर एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल है, ये तीनों नहीं है। अगर आप मोबाइल से बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो तो इसको मेंटल डिसऑर्डर माना जाएगा WHO के अकॉर्डिंग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का, देखिए इंडिजीनियसली डेवलप्ड गाइडेड वेपन सिस्टम पूछा गया इंडिया का, अगर बात करें M777 ए होबिट्ज़र आर्टिलरी गन्स है USA की, Agni-5 ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको इंडिया ने इंडिजीनियसली बनाया है, पर ये गाइडेड मिसाइल्स नहीं है। ब्रह्मोस इंडिया और रसिया से मिल के बनाया, तो आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए पिनाका, ये हमारा राइट आंसर होगा, इसको DRDO ने बनाया, ये रॉकेट सिस्टम है। पिनाका असल में शिवजी के धनुष को बोला जाता है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा, साथ ही अपना स्कोर भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने इस 50 में से कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट किए थे। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।